प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंत्योदय अर्थात समाज के अंतिम व्यक्ति के उदय का प्रण लेकर आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों का आर्थिक विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार। प्रदेश में प्रत्येक गरीब परिवार को 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से प्रदेश के 60 लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में 55,000 गरीबों को आवास दिए जाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट भी दी जा रही है। गरीब लोगों के इलाज का भी पूरा ध्यान रख रही है पुष्कर सिंह धामी सरकार। सरकार की अटल आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। साथ ही अस्पतालों में निःशुल्क जांच योजना में मरीजों को 200 से अधिक प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की भी निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। सबका साथ सबका विकास की अवधारणा से प्रेरित राज्य सरकार अंत्योदय की राह पर लगातार आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड सरकार का है संकल्प गरीबों के जीवन में खुशहाली लाना है। अंत्योदय का लिया है प्रण, नया उत्तराखंड बनाना है।